वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। जैसे आपको पता है कि मैं हैदराबाद आई हूँ, तो हैदराबाद आई हूँ और आइकिया ना जाऊँ, ये कैसे हो सकता है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको लेके चलती हूँ आइकिया हैदराबाद टूर के लिए। मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं आइकिया नाइट में जाने का मेरा प्लान था, बट वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट मैं नेक्स्ट डे आई, तो ये पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ। यहाँ पे 2 फ्लोर का आइकिया स्टोर है। मैं आइकिया के बारे में बता देती हूँ कि आइकिया है क्या। आइकिया इज अ स्वीडन मल्टी नेशनल ब्रांड कंपनी बेस्ड इन नीदरलैंड दैट डिजाइन एंड सेल रेडी टू असेंबल फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम्स, किचन एप्लीकेशन, होम एप्लीकेशन एंड अदर सर्विसेज। आइकिया हैज बीन अ वर्ल्ड लार्जेस्ट फर्नीचर रिटेलर। आइकिया में वो फर्नीचर मिल जाते हैं जो क्लासी है, मॉडर्न है और डेली यूज में आने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो मिल जाते हैं। आइकिया के प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रीमियम है। आइकिया ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में भी करता है, बट ऑनलाइन सर्विस के लिए डिलीवरी चार्जेस ज्यादा लगते हैं। ऑफलाइन स्टोर इंडिया में अवेलेबल है। आइकिया में आपको अफोर्डेबल होम फर्नीचर सॉल्यूशन मिल जाता है। यहाँ पे इतने प्रिटी प्रिटी प्रोडक्ट्स हैं, रग्स, सोफास, बेड, चेयर्स, टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, किचन आइटम्स, बाथरूम एसेसरीज, मेनी मोर्स। आइकिया किचन भी मैंने विजिट किया था, उसका भी शॉट मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। आइकिया का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा है। इवन मैं वीकेंड पे नहीं गई थी, वीकडेज में गई थी, तो भी बहुत अच्छा खासा क्राउड देखने को मिला। आइकिया हैदराबाद के बारे में बता दे रही है, 2 फ्लोर का स्टोर है। ग्राउंड फ्लोर पे किचन आइटम्स, बाथरूम एसेसरीज, डेकोरेटिव आइटम्स, लाइट्स, लैम्प, इवन वेयर हाउस एंड बिलिंग काउंटर ग्राउंड फ्लोर पे है। फर्स्ट फ्लोर पे कैफेटेरिया, फर्नीचिंग, शोकेस, बेडरूम सेटअप्स, रूम सेटअप्स एंड वर्क प्लेस भी फर्स्ट फ्लोर पे देखने को मिलता है। ये लैम्प मुझे फर्स्ट फ्लोर पे देखने को मिला, इसने मेरा दिल खुश कर दिया। इवन मैं इसका फंक्शन भी मैंने टेस्ट करके देखा, इतना मुझे ये पसंद आया एंड लिटरली क्वालिटी ऑसम थी। डिजाइन भी बहुत अच्छा था, मॉडर्न क्लासी तो है ही है। इसकी प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस 5,999 रुपीस के। इसमें साइज अवेलेबल है स्मॉल एंड बिग, इवन कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है, गोल्डन एंड सिल्वर। लास्ट टाइम मैंने आइकिया स्टोर विजिट किया था, बट मैंने उस टाइम टूर नहीं किया था। उसका हॉल लिंक में या आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा। प्लीज ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं। आइकिया स्टोर में सबसे बड़ी चीज मैंने देखी, ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पे इन्होंने काम किया है। एक्चुअली ये वही फर्नीचर्स में भी डील करते हैं जो कम एरिया में भी वो प्रोडक्ट यूज किया जा सके, वो फर्नीचर्स इंस्टॉल किया जा सके। मुझे यहाँ पे कटलरीज भी इतनी पसंद आ रही थी, बहुत अच्छे क्वालिटी की है। इवन जो शो में रखे गए थे, जो शो केस किए जा रहे, वो भी इतने अच्छे तरीके से किए थे, ना चाहते हुए भी ये लगता है कि परचेज तो करना ही है, क्योंकि ये ऐसे शो किया जाता है। ये कॉफी फ्रॉथर एंड कॉफी मेकर भी मुझे बहुत अच्छे लगे। वुडन सर्विंग ट्रे भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी वाला यहाँ पे मुझे देखने को मिला, इवन डिफरेंट साइज में भी ऑप्शन थे। अब मैं चलती हूँ क्लोथ सेक्शन में। मुझे यहाँ पे कुशन कवर इतने पसंद आए एंड क्वालिटी भी उसकी अच्छी है। कुछ के तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, कुछ अफोर्डेबल है। ये कुशन मैंने चेक करके देखे थे, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट और डिफरेंट डिफरेंट यूज के लिए कुशन्स यहाँ पे मुझे देखने को मिला एंड इवन इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। प्राइस तो है, मैंने आपको बता दिया, कुछ अफोर्डेबल है, कुछ अफोर्डेबल नहीं है। ये रहा थ्रोज वाला सेक्शन, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। यहाँ पे मुझे मल्टी कलर्स, इवन डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स एंड डिजाइन्स के देखने को मिला। थ्रोज की स्टार्टिंग प्राइस 599 रुपीस से है, बट डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के डिफरेंट डिफरेंट प्राइस देखने को मिला है। बेडशीट्स, पिल्लो कवर विद कुशंस, एसी ब्लैंकेट, इतना कुछ है कि यहाँ पे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। मुझे इस कंडीशन पे गाना याद आ रहा है, एक लाइन गा के बताऊं क्या, अगर आप लोग बुरा ना मानो।
कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जब मिला तो साला क्वेश्चन का था पता नहीं। सॉरी 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 सॉरी, मेरे गाना गाने की वजह से वीडियो स्किप मत कीजिएगा या वीडियो को आधा छोड़ के मत जाइएगा, एंड तक जरूर देखिए। चलिए अब गाने को हटाते हुए आगे चलते। ये वाला बेडरूम सेटअप मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन जो यहाँ पे क्लोथ्स यूज किए गए हैं शोकेस के लिए वो भी अवेलेबल है। एंड एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पे जो आप सेटअप में, बेडरूम सेटअप में या रूम सेटअप में जो भी आप फर्नीचर देख रहे हैं वो आप परचेज नहीं कर सकते, उसके लिए बिलिंग काउंटर पे जाके वो कोड बताना होता है, तब जाके आप परचेज कर सकते हैं। ये रग, ओ माय गॉड, ये रग का कलेक्शन बहुत अच्छा था। बट मुझे जो फ्रंट में सबसे पहले जो मैंने अभी आपको दिखाया वो मेरा फेवरेट था। बड़े प्रोडक्ट शॉपिंग कार्ट में लेके ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप कोड आइडेंटिफाई कर लीजिए या मेंशन कर लीजिए एंड बिलिंग काउंटर पे जाके वो सेलेक्ट करके आप परचेज कर सकते हैं। इवन आइकिया के स्टाफ भी बहुत हेल्पिंग है, वो टाइम टू टाइम गाइड करेंगे। इवन हेल्प सेंटर भी बहुत जगह पे देखने को मुझे मिला और एक्सेस करना बहुत ही इजी है। अब मैं जा रही हूँ लाइट वाले सेक्शन में। यस, यहाँ मुझे इतने प्यारे प्यारे लाइट के ऑप्शन दिखे, लैम्प्स दिखे, मुझे तो आँख में भरना तो दूर की बात, कैमरे में कैप्चर करना दूर की बात, मुझे सब पसंद आ रहे थे। बट हाँ, मैं इतना कुछ तो नहीं परचेज कर सकती एंड कुछ तो इतने अफोर्डेबल थे कि वो तो लेना था, बट वो मेरे होम इंटीरियर के हिसाब से वो मैच नहीं कर रहा था इसलिए नहीं लिया। जो मेरा मैच कर रहा था कुछ एक्सपेंसिव रेंज के भी थे, इस वाले सेगमेंट में से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना मैंने सर्च किया था। बट मुझे इस वाले सेगमेंट में सारे ही ऑप्शंस देखने को मिल गए, छोटे बड़े साइड लैम्प, लैम्प जो भी सेगमेंट में आ रहा था वो लंबा टाइम स्पेंड कर रहा था। एंड मुझे यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स थे। हाँ, आपको मैंने पहले कॉस्ट के बारे में बता दिया, कुछ अफोर्डेबल है, कुछ एक्सपेंसिव रेंज में भी है। लाइट सेगमेंट एक ऐसा सेक्शन है जो घर को डेकोरेट करने में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। बट मैं यहाँ पे बताऊँ, यहाँ मैंने जो प्रोडक्ट्स देखे उसकी क्वालिटी तो अच्छी है ही है। इवन दिवाली वाली फीलिंग आ रही थी, घर डेकोरेट करने का मन करता है। आइकिया में मॉडर्न क्लासी प्रोडक्ट तो है ही है, इवन विंटेज कलेक्शन भी इन्होंने रख रखा है। एक चीज़ और, क्वालिटी मुझे कुछ प्रोडक्ट की ओके ओके सी लगी, प्राइस भी उनके बहुत कम थे, लेकिन जो एक्सपेंसिव रेंज में है या जो अफोर्डेबल रेंज में है उनकी क्वालिटी अच्छी है। मुझे लाइट सेक्शन में बहुत सारे ऑप्शंस पसंद आए थे। ये लाइट सेक्शन में आप जो प्रोडक्ट परचेज कीजिएगा उसके साथ बल्ब, कुछ लाइट तो पेपर के थे जो नॉर्मली लोकल शॉप्स पे भी मिल जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो यूनिक नहीं है, कई जगह मैंने वो देखे भी हैं, बट और प्रोडक्ट जो हैं, रेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूनिक हैं। इवन बहुत अच्छे आइडियाज़ आप आइकिया से ले सकते हैं, स्पेशली होम डेकोर के लिए। मैंने तो होम डेकोर के लिए प्रोडक्ट भी लिए और बहुत सारे आइडियाज़ भी मेरे को आइकिया से मिले हैं। सो मैं एक थैंक्स तो आइकिया स्टोर को विज़िट करते करते मैंने अराउंड 5 hours स्पेंड कर दिए थे यहाँ तक, एंड स्टिल मुझे एक बार भी फीलिंग नहीं आई कि मैंने इतना टाइम स्पेंड कर दिया है। सो कभी भी आप आइकिया स्टोर जाने का सोचे तो फुल डे आप इसके लिए रखें, या पर्टिकुलर आपको कोई शॉपिंग करनी है या कोई प्रोडक्ट लेना है तो आप कम टाइम में अपना कर सकते हैं शॉपिंग। वॉच का भी कलेक्शन बहुत अच्छा था। मैंने यहाँ से, वैसे हॉल में आपको बताऊंगी बट मैं आपको हिंट दे देती हूँ, यहाँ से मैंने 2 watches परचेज किए हैं। कुछ तो फैंसी वॉचेज हैं, इवन कुछ डेली यूज में जो आने वाले वॉचेज हैं वो भी मैंने देखे, एंड स्मार्ट वॉच, डिजिटल वॉच एंड जो एनालॉग वॉच है वो तो है ही है।
अब मैं आ गई मिरर वाले सेक्शन में। यहाँ पे मैं आके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुई थी, क्योंकि अच्छा तो लग ही रहा था एंड बहुत प्रोडक्ट भी अच्छे थे, बट जैसा मुझे चाहिए था वैसा मुझे मिला नहीं। ये रहा लाइफ प्लांट सेक्शन। एज अ प्लांट पेरेंट, प्लांट्स को देख के वैसे ही प्यार आता है, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे अच्छे लगे, लेकिन हाँ मुझे एक्सपेंसिव लगे, क्योंकि ये लोकल नर्सरी में अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। पॉट्स मुझे बहुत सारे देखने को मिले, स्टील में, प्लास्टिक में, बट मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे। लोकल नर्सरी में अच्छे खासे मिल जाते हैं, बट हाँ यूनिक डिज़ाइन के थे तो उसकी बात अलग है। ग्राउंड फ्लोर वाले सेक्शन में इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स रखे हुए थे, जो कि आप अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं। जो ये सेटअप में यूज़ हुए थे वो फर्स्ट फ्लोर पे थे एंड मैंने बहुत सारे ऑप्शंस मेरे माइंड में थे। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद कंफ्यूजन तो हुआ ही था कि लेना है या नहीं लेना है, बट कुछ प्रोडक्ट तो डेफिनेटली था कि वो परचेज करना ही करना है। ये रहा लाइट में मेरा बहुत टाइम स्पेंड हुआ एंड ये था कैंडल, फ्रेग्रेंस कैंडल, सेंटेड कैंडल्स वाला सेगमेंट। यहाँ पे भी मेरे को बहुत टाइम लगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस थी एंड मैंने वहाँ से भी बहुत कुछ लिया है। ये वेयर हाउस, इनका इतना बड़ा वेयर हाउस, ये देख के भी मैं शॉक में थी कि इतने लोग शॉपिंग करते हैं। आइके एक छोटा ब्रांड नहीं है, बहुत लोग शॉपिंग करते हैं। ये मस्ट हैव प्रोडक्ट्स तो यहाँ पे हैं ही हैं। यहाँ पे मुझे सोप डिस्पेंसर 69 रुपीस में मिल गया। ये येलो वाला फर्नीचर देख रहे हैं, ये बिलिंग काउंटर से पहले जो वेयर हाउस है उसमें ये मुझे देखने को मिला। इस पे आंख मेरे को बहुत देर से थी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये येलो वाला फर्नीचर 8900 का था। न्यू घर का सेटअप या रिनोवेशन के बाद फर्नीचर इंस्टॉल करना है तो आइकिया में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। इवन आइडिया भी मिल जाता है पुराने घर को रेनोवेट करने का या डेकोरेट करने के लिए। फ़ोटो फ्रेम है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 99 रुपीज़ से है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, बट इसमें एक कोलाज सेट है 199 का, उसकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी। ये ड्रेसिंग सेक्शन बहुत प्रिटी है ना, है ना। अप टू 5 kg डिलीवरी चार्जेस 99 है, इंटरेस्ट वेट पे डिपेंड करता है। आइकिया स्टोर में बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद जो भी शॉपिंग कार्ट में प्रोडक्ट था उसको मैं बिलिंग काउंटर पे ले गई, जो कि सेल्फ बिलिंग काउंटर है। वहाँ पे सारे प्रोडक्ट के बार कोड को स्कैन करना है, लॉग इन करना है और पेमेंट करके बिल जनरेट हो जाएगा। उसके बाद सारा प्रोडक्ट अपने कैरी बैग में रख के चेकआउट कर सकते हैं। मुझे आइकिया के प्रोडक्ट अच्छे लगे, अफोर्डेबल प्राइस में भी मुझे प्रोडक्ट मिले हैं, जिसका मैं आपको हॉल में बताऊंगी क्या क्या प्रोडक्ट मैंने आइकिया स्टोर से परचेज किया। फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम सेटअप, रूम सेटअप, वॉशरूम सेटअप, इवन किचन सेटअप भी है, जिससे मुझे बहुत सारे आइडिया आए कि कैसे कैसे प्रोडक्ट को इंस्टॉल करना है और कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है। आइकिया के प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज प्रीमियम है, मॉडर्न एंड क्लासी है, इंटीरियर के साथ बहुत इजी यूज़ किया जा सकता है एंड कम स्पेस में फर्नीचर इंस्टॉल हो जाता है। इसके साथ ये सेल्फ असेंबल फर्नीचर बेडरूम किचन सेटअप से बहुत सारे आइडिया आए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये वाला वॉल मेरा फेवरेट है और एक टाइम पे तो मुझे ये लगा कि आइकिया टूर करते करते इतना टाइम हो गया तो और मैंने कुछ भी परचेज नहीं किया था, बट उसके बाद क्या, उसके बाद तो मेरा शॉपिंग कार्ट भरता ही गया, भरता ही गया, भरता ही गया। आइकिया स्टोर आने से एक और मेरा फ़ायदा हुआ, मैंने बहुत सारे कलर ऑप्शन वॉल के देखे थे जो मैंने प्रैक्टिकली इमेजिन करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, बट यहाँ आके बहुत सारे कलर ऑप्शन के आइडिया मेरे को माइंड में बैठे एंड मुझे बच्चों के रूम डेकोर भी बहुत बहुत अच्छे लगे। मेरे फोटो से भरा हुआ वॉल जो बताया था कि वो मेरा फेवरेट है, इस वाले सेक्शन में फोटो फ्रेम के सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, छोटे से बड़े सब साइज के थे एंड कुछ तो अफोर्डेबल थे एंड जिनके प्राइस अच्छे थे, बट मुझे कुछ की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। आर्टिफिशियल प्लांट के साथ
ओरिजिनल प्लांट भी यहाँ पे थे एंड जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे थे, बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया था। इतना कुछ विजिट करने के बाद भूख तो लगना जायज था। आइकिया किचन में जाके मैंने पेट पूजा किया। वहाँ मैंने एक चीज नोटिस की कि वहाँ पे वेवरेज हॉट और कोल्ड कोई एक प्रोडक्ट आप रिफिल कर सकते हैं जिसकी MRP 80 rupees थी ओनली। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं बहुत जल्दी आइकिया हॉल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।